Hello students, welcome to Bboard and let us see the solution of this question. And our question is, A and B can complete a piece of work in 6 days and A alone can complete it in 9 days. The time taken by B to complete the work, ठीक है ना? और ये आपके options हैं. तो चलिए इस question को solve करते हैं. तो हमारा question है, A और B किसी काम को 6 दिन में करते हैं. मतलब A plus B की अगर मैं speed बात करूँ तो total work देखो हम अपने speed equals to distance upon time वाले method में अगर total work है मतलब ये distance जो है total work ये ना दिया हो तो 1 ले लेते हैं और time जो दिया होता है ठीक है तो total work 1 है तो इन दोनों को काम करने में total time कितना लगता है 6 तो 1 upon 6 ठीक है ये इसकी speed भी हो गई अब A अकेले किसी काम को 1 upon 9 है ना मतलब एक अकेले पूरे काम को 9 दिन में करता है तो ये हो गया total work upon time ठीक है तो हमें B अकेला कितने दिन में करेगा ये निकालना है ठीक है तो अगर मैं A plus B की स्पीड में से A की स्पीड माइनस कर दूं तो B की स्पीड बचेगी तो दिस विल बी 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 9 इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो इसका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम हो जाएगा 18 6 3 जा 18 और 9 2 जा 9 2 जा 18 ठीक है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 18 ठीक है तो B की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 18 मतलब B एक टोटल 1 काम को है ना क्योंकि ये टोटल वर्क है टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है स्पीड तो 18 डेज में करेगा मतलब आंसर आ गया कि B उस टोटल काम को 18 डेज में करेगा ठीक है ये तो हमारा पहला मेथड हो गया अब हम अगर अपने दूसरे मेथड से देखें जहां मैं वर्क को 1 नहीं लेता हूं तो उसको कैसे करेंगे इसमें ऐसे करेंगे कि A plus B ठीक है किसी काम को ये टाइम हो जाएगा ये स्पीड हो जाएगी टोटल वर्क हमारा 1 नहीं रहेगा इसमें एलसीएम रहेगा टाइम का ठीक है तो A plus B किसी काम को 6 दिन में करते हैं और A उसी काम को 9 दिन में करता है तो B कितने दिन में करेगा ये बताना है तो यहां हमारा टोटल वर्क जो है 1 नहीं रहता है वो दोनों के टाइम का एलसीएम रहता है तो हम मान लेते हैं 18 है एलसीएम मतलब टोटल वर्क 18 है ठीक है तो A plus B अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो कितने की स्पीड से करेंगे 6 3 जा 18 मतलब 3 यूनिट्स की स्पीड से 3 यूनिट्स पर डे की स्पीड से करेंगे तब जाके 6 दिन में 18 काम करेंगे और A अकेला अगर 9 दिन में काम कर रहा है तो 2 की स्पीड से कर रहा होगा ना 2 की स्पीड से करेगा तब 9 दिन में 18 काम करेगा 9 2 जा 18 होता है 6 3 जा 18 होता है ठीक है तो हमसे पूछा है B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो B के लिए टोटल काम कितना है 18 ही है ना भाई क्योंकि अगर टोटल काम 18 है चाहे वो A plus B के लिए हो चाहे A के लिए हो तो अकेले B के लिए भी टोटल काम तो 18 ही रहेगा ना और B की स्पीड देखो इससे हम निकाल सकते हैं A plus B की स्पीड 3 है और A की स्पीड 2 है तो B की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 minus 2 दैट इज B की स्पीड हो गई 1 तो B अगर 18 काम को 1 की स्पीड से कर रहा है तो टाइम क्या होता है टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन स्पीड तो टोटल वर्क मतलब 18 अपॉन 1 दैट इज B को 18 डेज लगेंगे तो भाई मेथड कोई भी हो हमारा आंसर सेम आता है ठीक है तो 18 हमारा ऑप्शन मतलब दैट इज बी सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन थैंक यू